देखिए, काम करते वक्त तो लगती है बड़ी भूख। जानेंगे इस वीडियो में कि भूख लगने पर आपको क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। डॉक्टर सिद्धांत भार्गवा, फिटनेस और न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट का ये कहना है कि आप कंज्यूम कर सकते हैं, नंबर वन, आमंड्स। इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो आपकी बॉडी में फोकस बढ़ाता है और आपकी एपेटाइट को इंक्रीज करने में मदद करता है। इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो आपकी बॉडी में फोकस बढ़ाता है और आपकी एपेटाइट को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। दूसरा आता है बनानास। एक सिंगल बनाना आपकी बॉडी को पूरे दिन के लिए ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक्टिव और प्रोडक्टिव रह सकते हैं। ये आपको एनर्जी देता है टू स्टे फोकस्ड, और इसमें कार्ब्स रहते हैं जो आपके पेट को लंबे समय तक फुल रखता है। फिर आता है एप्पल। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और इसमें कम शुगर भी रहता है। एप्पल्स एक आइडियल कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन, जो आपके पेट को भरा ही नहीं लेकिन आपको शार्प और अवेक भी रखता है। फिर आते हैं मखानाज। ये एक आइडियल स्नैक है जिसमें लो सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं। ये सेफ रहता है फॉर पीपल इवन विद डायबिटीज एंड हार्ट एलमेंट्स। मखानाज एक बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है ऑफ हाई पोटेशियम एंड लो सोडियम। फिर आता है सोय नट्स। क्रंची और डिलिशियस सोय नट्स ड्राइड सोयाबीन से बनाया जाता है। ये मंचीज रिच इन फाइबर, प्रोटीन और कई न्यूट्रिएंट्स में रहता है, जिसके कारण वेट लॉस प्रमोट होता है और हार्ट एंड बोन हेल्थ बूस्ट होता है। तो क्या आप कल से अपने वर्कप्लेस में ये खाना ट्राई करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।